गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल मेथड्स सेमेस्टर थर्ड एमएससी के विद्यार्थियों को, जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मैंने सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के बारे में अब तक आपको जितने भी मेथड्स हैं उन मेथड्स के बारे में बात की थी। मैंने मेथड्स की कंडीशंस के बारे में बात कर ली, आपको कन्वर्जेंस कंडीशन के बारे में बता दिया था। अब हम लोग जो सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में सिस्टम ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस के बारे में भी बात की थी। लास्ट वीडियो मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो अपलोड किया था, उसके तीन मेथड्स थे। पहला तो था ब्रिस्विटा मेथड, फिर ग्रेफी स्क्वायर रूट मेथड। इन दोनों को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर दिए हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी इनको सॉल्व करके दिखाया है। कल के जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बैरिस्टो मेथड के बारे में बात की थी, पूरे मेथड्स को डेरिवेशन हमने कल के वीडियो में किया था। आज मैं इसका एग्जाम्पल से बैरिस्टो मेथड के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन इज गिवन बाय सॉल्व बाय बैरिस्टो मेथड। तो क्वेश्चन इज दिस, फाइंड ऑल दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x cube minus 2x square plus x minus 2 equal to 0 using Bariston method के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम जानते हैं कि बैरिस्टो मेथड में हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम, उसको डिवाइड करते हैं और P1 या P0 की वैल्यू निकालते हैं, P प्लस डेल्टा ऑफ P0 एंड Q की वैल्यू निकालते हैं, Q प्लस डेल्टा ऑफ Q0 एंड डिवाइड बाई ए क्वाड्रेटिक फैक्टर। वी हैव कन्वर्ट इन ए पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री इन टू एन माइनस वन डिग्री एन माइनस टू डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द्विघात समीकरण का जब हम पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास n माइनस टू डिग्री का रेस्ट पॉलिनोमियल बचता है और इसका डेरिवेशन कल हम कर चुके हैं। सो लेट द क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन बी, जैसे हम लोगों ने पता है सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे कि लेट द क्वाड्रेटिक फैक्टर हर एक क्वेश्चन में ये होना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ द गिवन of the given equation या given polynomial equation is x square plus px plus q. This is let us suppose this is a quadratic factor. So let the initial values of p and q be, again हम लोग ये कहते हैं let the initial values of p and q be p0 and q0। ये हम लोग जो आर्टिकल किया था उसे आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं कि लेट इनिशियल वैल्यूज ऑफ p एंड q बी p0 एंड q0 रेस्पेक्टिवली। देन the first approximation can be obtained as p1 equals to p0 plus delta of p and q1 equals to q0 plus delta of q। ये हमने आर्टिकल में कल आपको बताया था, where डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू आर फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आर गिवन बाय डेल्टा पी इक्वल टू डिग्री 3 के लिए माइनस b3 c0 माइनस b2 c1
अपॉन सी वन स्क्वायर माइनस सी जीरो सी टू माइनस बी टू एंड डेल्टा क्यू इक्वल्स टू माइनस बी टू सी टू माइनस बी टू माइनस बी थ्री सी वन अपॉन सी वन स्क्वायर माइनस सी जीरो सी टू माइनस बी टू. दिस इज योर डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू. दीज आर दी वैल्यूज ऑफ डेल्टा पी एंड क्यू. नाउ वी गेट बी बी आई एंड सी आई. वी यूज द स्कीम ऑफ द गिवन टेबल. जो हम लोगों के ये जानते हैं, हम जानते हैं कि बी आई और सी आई के लिए हमारे पास टेबल थी. उस टेबल के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट वी हैव. इसके साथ ही हम लोग इसके सॉल्यूशन करेंगे. देयरफॉर बी आई एन सी आई की जो वैल्यूज का निकालेंगे. सो देयरफॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमें मानना होगा इनिशियल वैल्यूज को. सो इनिशियल वैल्यूज होगी पी जीरो एंड क्यू जीरो. सो इनिशियल वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन कैन बी ऑब्टेन लास्ट थ्री टर्म्स. पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. इससे हम लोग निकालेंगे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन. लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन from the given polynomial of last three terms. So as p0 equal to minus 0.5 and q0 equal to 1. So from the table जो last table हमने article में की थी, b0 equal to 1, b0 equal to q0 and c0 equal to again 1 and b1 equals to minus 1.5. ये table से आप निकाल सकते हैं c1 equals to minus 1, b2 equals to minus 0.75, c2 equals to minus 2.25 and b3 equals to minus 0.875 and so on. By substituting these values from the table, we get the initial value approximation for the last three terms of the polynomial. Polynomial ke antim teen padon se hum ye p0 q0 ki value nikal rahe hain. Ye p0 q0 jab nikal jayega to from the table जो लास्ट हमने आर्टिकल में की थी, टेबल की वैल्यूज हमने पुट किया और ये वैल्यूज बी जीरो सी जीरो फिर बी वन सी वन बी टू सी टू बी थ्री ये वैल्यूज आएगी. इन वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, बी थ्री चाहिए सी जीरो बी टू सी वन सी वन स्क्वायर माइनस सी जीरो सी टू माइनस बी टू. इसी तरह से हमारे पास ये सेकेंड टर्म्स की वैल्यू चाहिए. जब हमारे पास ये वैल्यूज होगी तो वी कैन फाइंड दी डायरेक्टली कैलकुलेट एंड वी हैव डेल्टा पी इक्वल टू. जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा पी इक्वल्स टू 0.65 एंड डेल्टा क्यू इक्वल्स टू माइनस 0.1. ये वैल्यूज जब हम डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू में पुट करेंगे तो यू गेट दिस डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू. सो द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैन बी रिटन एज, मैं इसमें यहां लिख रहा हूं ये टेबल हटा के. द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हमारे पास निकाल रहे हैं use to p1 equals to p0 plus delta p. So p1 is minus 0.5 and p is 0.065 and q1 equals to q0 plus delta of q. So q0 ki value is 1, delta of q is minus 0.1. So this is equal to, so this is equals to your 0.15 and 0.9. This is your 0.15 and this is your 0.9. This is P1 and Q1. Now we want to find second approximation. So second approximation में क्या होगा कि इनकी values को हम काम में लेंगे. This is your P1, Q1. So second approximation
second approximation is P1 equal to 0.15 and Q1 equals to 0.9. इन दोनों के लिए हमें सॉल्व करना है. अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टेबल्स डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू. हम उस टेबल से वैल्यूज निकालेंगे. तो वी ऑब्टेन ऑब्टेन बी आईज एंड सी आईज फॉर दिस वैल्यूज टेबल फॉर द सेकेंड इटरेशन यूजिंग दिस वैल्यूज. सो वी हैव डेल्टा पी इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं आपको निकालना है और डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0.0906. This is your delta P and delta Q. So P2 equals to P1 plus delta of P. P1 is 0.15 minus yeah, plus minus 0.1443. So we get. And similarly, Q2 equals to Q2 Q1 plus delta of Q. So Q1 is 0.9 plus 0.0906. So therefore, this is the P2 and Q2. So therefore, this is equals to 0.0057 and 0.9906. This is your values of P2 and Q2. Proceeding in the similar manner, मीन्स हम लोग इसी तरह से इसको यूज करेंगे P2 एंड Q2 को अगेन यूजिंग द टेबल फॉर बी आईज एंड सी आईज एंड अगेन यू हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा P एंड डेल्टा Q. सो देयरफॉर दीज आर द वैल्यूज एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वी गेट P equal to 0 and Q equals to 1. So hence this is the values of these. Here quadratic factor is this is your Q. So we have quadratic factor हमने जो माना था वो था x square plus px plus q. So x square plus px plus q. So therefore when you put in the values of p and q in this quadratic factor. So x square plus 1 is a quadratic factor. So and deleted polynomial is given by b0x plus b1, which is form of the last table x minus 2. So this given is then we can write as follows. Then, hence the quadratic factor is x square plus y and defaulted polynomial is given by b0x plus b1 which is from the last table x minus 2. So therefore the given equation can be written as x squared plus 1 and x minus 2 equal to 0. So on solving we get roots x plus minus iota and 2. These are the all roots of a given equation by these polynomials. We get this one. So this is given by in a table form also in a book.
This is given by table form also. You can find out the values of delta pi and delta qi, and you can calculate the values of successive approximations, first iteration, second iteration, third iteration by the Barrister method. So this is very important and useful method to find out the all the roots of any equation, which type of any equation, which is real or a complex or any terms, you can find out the values in this form. So I think solution of algebraic and transcendental equation, we have all methods using to solving the roots, to find out the roots of a linear equation or a system of a non-linear equation. All these values we can find out the different type of roots or different type of methods we have using. So you use, and these are the roots. So this chapter is over now. Now next time we will start next chapter. You can try to all these methods and find out the values and roots of these equations. Thank you.